देखो नाइन फोर्टी फाइव में मार्केट यहाँ पे था मार्केट सिर्फ चालीस पचास पॉइंट रेंज में ही मार्केट ने आज खत्म कर दिया राइट एक चीज कल जो मैंने आप लोगों को लाइव में बोली थी अगर आपको याद होगा मैंने दो तीन चार्ट लिखा था कि आपको पी बी टी एस से क्यों नहीं लेना चाहिए पहले तो ये डब्ल्यू पैटर्न इसका टारगेट मैंने कितना दिया था एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास दिया था मार्केट ओपन हुआ एटीन थाउजेंड थ्री नाइनटी पे सीधा मॉर्निंग में ही टारगेट दे दिया था जिसने सी बी टेस्ट लिया होगा पैसे बना तो होंगे बट आई रियली डाउट उसको काटने का मौका मिला होगा दैट मार्केट so, ने किसी को कमाने नहीं दिया नो बडी सी पी वाले ये बीच में किसी ने लिया होगा तो अलग बात है वैसे व्यू हमारा जनरली मोटा मोटा बायोन डिप्स का ही था और मैंने बोला था फुल डे बायो डिप्स मिलेगा राइट बट जब मार्केट ने यहाँ पे ओपन करी जैसे बैंक निफ्टी ने भी काफी बड़ा ओपन किया तो आपको फिर सी में तो बैठना यहाँ पे था नहीं बट ये डीप वॉज ए वेरी गुड साइन कि हमें मार्केट में

और कल मैंने आपको ट्रेड भी दिया था अगर आपको याद होगा यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड हमने दिया था आप लोगों को राइट ये वाला दिस वॉज ए ब्यूटीफुल बाइंग फॉर अस बट एनी ये लाइव ट्रेड था मैंने ये बोला था कि हेड एंड सोल्जर ये सॉरी ये हेड एंड सोल्जर पैटर्न जैसे बना रहा है अगर मार्केट ने इसको कंप्लीट कर दिया राइट इस तरह का कुछ बनाया था ना मैंने फाइव मिनट में ये थ्री मिनट में थोड़ा अलग दिख रहा है मैंने बोला था कि मार्केट अगर ये लेवल काट देता है और डे क्लोजिंग कर देता है तो फोट फोर्टी मिनिमम फोर्टी ये एट मैक्सिमम एंड वी विल सी एटलीस्ट वीकली हाई ऑन थर्सडे प्रॉब्लम ये था कि हम चाहते थे कि मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर ऊपर जाए और ये हाई बनाए तो एक बढ़िया ट्रेड हम ले सकते थे ओके बट मार्केट ने सीधा ही टारगेट में ओपन किया ठीक है सीधा ही टारगेट में ओपन किया जैसे मैं बोला पैसे कमाने देने का प्लान था नहीं मार्केट का

जैसे वेडनेसडे भी हमने ये डिस्कस नहीं किया था वेडनेसडे हमारा ये टाइमिंग था ये बाइंग था राइट तो ये सब बढ़िया तरह से काम किया है मैंने अगर आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये निफ्टी डे हाई तक मोस्टली आ जाएगा वेडनेसडे को राइट और जब मार्केट यहां पे था वहां से बोला मैंने एनी नाउ कमिंग टू टूमारो स्टडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा अगर आपने चारों दिन पैसे बनाए हमने बनाए चारों दिन पैसे तो फ्राइडे को थोड़ा अपन होल्ड कर सकते हैं अगर ठीक है मतलब क्वांटिटी ट्रेडिंग तो करेंगे बट क्वांटिटी थोड़ा स्मॉल लेके करेंगे राइट व्यू हमारा क्या होना चाहिए देखो देखो बैंक निफ्टी में दो लेवल है बैंक निफ्टी अगर अपना आज का डे लो काटता है ये लेवल जो है ना ये लेवल अगर काटता है तो मार्केट यहाँ तक आएगा फोर्टी थ्री थाउजेंड टू थर्टी के आसपास आएगा और वहां से मार्केट में एक रिवर्सल मार्केट को मिल सकती है टाइमिंग के हिसाब से हमारा नाइन फोर्टी फाइव टेन ओ क्लॉक तक हमारा थर्टी वैसे मैंने दस बजे के बाद तो ऑन डिप्स दिया है बट एक्चुअली अगर मैं इसको मुझे जितना याद है एक्चुअली अगर मैं इसको करूँ और थोड़ा ब्रेक करूँ तो टेन टू इलेवन इलेवन थर्टी के आसपास जो है ना थोड़ा रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट दिख रहा है बाइंग जो है वो इलेवन थर्टी टू टू थर्टी के आसपास

देखो ये लेवल पे तो ब्लाइंड बाइंग आपकी मिलेगी फोर्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड अगर मार्केट चार सौ पॉइंट गिर जाता है क्योंकि टिपिकल फ्राइडे है बाइंग के लिए तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा एक्चुअल ट्रेड जो हमारी होनी चाहिए कि मॉर्निंग में मार्केट ने लेवल काटा तो हम ये ट्रेड ले सकते हैं नाइन फोर्टी फाइव तक या टेन ओ क्लॉक तक तो जहाँ जहां तक मिल जाए बड़ा फॉल हो गया तो बढ़िया किस्मत की बात है बट फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तक ले सकते हैं आई थिंक वो एक अच्छा ट्रेड रहेगा हमारा टेन टू इलेवन थर्टी आल वेट आई थिंक मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा कंसोलिडेशन का जब रेंज ब्रेकआउट होगा तो हम मार्केट में बाय कर सकते हैं जहां पे ये इस लेवल को ये जो लेवल है फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड के लेवल को दोबारा टच करने की कोशिश करेगा नीचे से तो यहाँ से आए या यहाँ से आए ओके यहाँ से आए तो बढ़िया आए तीन सौ पॉइंट की बाइंग आपको मिल जाएगी इसके नीचे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मोर सेलिंग हालांकि दस बजे के बाद तो इसके नीचे भी मैं नहीं करूंगा लेवल देख के यहाँ पे या यहाँ पे कहाँ पे है उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे और आ, मुझे नहीं लगता कि मार्केट ये लेवल के ऊपर कल जा सकता है फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव एटी के ऊपर बाई चांस अगर गया बाई चांस अगर गया और आप सेल में हो तो इमीडिएटली आपका लॉस कटना चाहिए इस स्विंग का हाई जो है ये स्विंग का लेवल जो है सिक्स फिफ्टी फाइव में स्टॉपलेस काट देना मार्केट को पैसे दे देना क्योंकि हमारा व्यू मॉर्निंग में नीचे ऊपर साइड उसके बाद है अगर हमारा व्यू गलत चला जाता है तो लॉस आपका ये होना चाहिए अगर आप सेल में हो ठीक है फिर उसके बाद साइड ट्रेन नहीं करेंगे फ्राइडे है आई एम नॉट मोर इंटरेस्टेड टूवॉर्ड्स बाइंग एनी मोर और ये अपना वीकली रेजिस्टेंस टू को काट के आ रहा है तो इट वुड बी कंफर्टेबल इफ यू गेट ए सेल और डीप मिलेगा तो ये सेकेंड हाफ में बाय भी होगा मे नॉट बी बिग बट बाय होगा ठीक है उसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे निफ्टी में देखो ये जो सेल जोन है ये आज का जो डे लो है ये कटना बहुत जरूरी है और आपकी अगर ये लेवल कटता है तो आपकी ट्रेड सिर्फ इतना ही बनेगा टू सेवेंटी टू टू थर्टी वन चालीस पॉइंट का ही बनेगा अगर बाई चांस ने मार्केट ने बड़ा हेवी रेट कैंडल दे दिया तो वन एटी तक मार्केट आ सकता है और सिक्सटी पॉइंट्स ये लकी है मिलेगा नहीं मिलेगा वी डोंट नो ये लकी है तो पहले चालीस पॉइंट और फिर सिक्सटी पॉइंट्स बट ये चालीस पॉइंट आपको मिलने चाहिए और इस लेवल से फिर मार्केट में एक बाइंग आपको अप टू थ्री हंड्रेड के आसपास मोटा मोटा राउंड लेवल के आसपास मार्केट में मिल जाना चाहिए आफ्टर टेन और स्पेशली आफ्टर इलेवन 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 फिफ्टीन ओके मिल जाना चाहिए तो मेरा बाइंग मेरा ये ट्राय रहेगा कि मॉर्निंग में मैं एक सेल ले लूं और स्कैल्पिंग करूंगा कल कर लंबा नहीं खेलना है मेरे को और फिर ग्यारह बजे के बाद ये कंसोलिडेशन अगर होके रेंज ब्रेकआउट करता है तो एक दो तीन घंटे का बाइंग टू टू थ्री आवर्स बाइंग अपन कर सकते हैं दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक इन द मार्केट ठीक है बाकी जो होगा लाइव में थैंक थे यू वेरी मच गुड नाइट जय माता